हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक है। आज के क्लास में हम लोग क्लास टेंथ के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को केमिकल चेंज को समझना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के डिफरेंस को समझते हैं। ठीक है, तो बोर्ड पे मैंने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के डिफरेंस को पॉइंट वाइज लिख दिया है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो केमिकल चेंज पर ही डिपेंड करते हैं, केमिकल चेंज पर ही वो बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग केमिकल चेंज को ही समझते हैं। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट जो है फिजिकल चेंज का, कि इट इज द चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर चेंज्ड, कि फिजिकल चेंज में किसी भी सब्सटेंस की केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। ठीक है, और फिर केमिकल चेंज के फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि इट इज द चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर चेंज्ड। मीन्स ये हुआ कि केमिकल चेंज में किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कि फिजिकल चेंज का, कि इसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, और केमिकल चेंज में क्या है कि सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। ठीक है, और फिर सेकेंड पॉइंट जो है फिजिकल चेंज का क्या कि इन इट नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड, और केमिकल चेंज का सेकंड पॉइंट कि इन इट अ न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल सब्सटेंस। मींस ये हुआ कि फिजिकल चेंज के सेकंड पॉइंट का मींस ये हुआ कि इस चेंज में, मींस फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, और फिर केमिकल चेंज के सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि इसमें कोई न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसकी प्रॉपर्टीज इनिशियल सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से टोटली डिफरेंट होती है। ठीक है, और फिर फिजिकल चेंज का जो थर्ड पॉइंट है कि इन जनरल इट इज टेम्परेरी, कि जनरली फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्परेरी होता है, और उसमें जो सब्सटेंस होता है उसको इनिशियल फॉर्म में वापस लाया जा सकता है। ठीक है, और फिर केमिकल चेंज का जो थर्ड पॉइंट है कि इन जनरल इट इज परमानेंट, कि जनरली केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है, उसमें जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग इनिशियल फॉर्म में वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, और फिर फिजिकल चेंज का फोर्थ पॉइंट जो है कि इट कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, कि फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल हो सकता है। ठीक है, और फिर केमिकल चेंज का फोर्थ पॉइंट है इट इज ओनली इरिवर्सिबल, कि ये केवल इरिवर्सिबल होता है। अब ये कैसे होता है हम लोग इसको एग्जांपल की हेल्प से भी समझेंगे। ठीक है, कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल दोनों हो सकते हैं, और केमिकल चेंज जो है वो केवल इरिवर्सिबल होते हैं, कैसे करके, तो इसको हम लोग एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, तो अब फिर फिफ्थ पॉइंट में फिजिकल चेंज का एग्जांपल ये है कि फोल्डिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ पेपर, कन्वर्जन ऑफ आइस इंटू वाटर एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर इंटू स्टीम, ये सब एग्जाम्पल्स फिजिकल चेंज के हैं। और फिर केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, कर्डलिंग ऑफ मिल्क ईटीसी। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं हम लोग कि फोल्डिंग ऑफ पेपर जो है वो फिजिकल चेंज कैसे है, कटिंग ऑफ पेपर जो है वो फिजिकल चेंज कैसे है, कन्वर्जन ऑफ आइस इंटू वाटर एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर इंटू स्टीम, ये फिजिकल चेंज कैसे करके हैं, इनको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए फोल्डिंग ऑफ पेपर, कि कोई पेपर है हमारे पास, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं। तो देखिए जब हमने पेपर को फोल्ड कर दिया तो उसके प्रॉपर्टीज में सिर्फ इतना चेंज होता है कि उसका शेप और साइज चेंज होता है, लेकिन पहले भी वो पेपर होता है और जब फोल्ड कर दिया मैंने उसको तो उसके बाद भी वो पेपर ही रहता है। तो उसके केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया कि उसका साइज, उसका शेप चेंज हो गया। ठीक है, तो फोल्डिंग ऑफ पेपर इस तरीके से क्या है, फिजिकल चेंज है।
वो भी फिजिकल चेंज है कि पेपर को मैंने कट कर दिया, तो पेपर को कट करने के बाद भी तो वो पेपर ही रहता है ना, उसमें कोई न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इस तरीके से कटिंग ऑफ पेपर भी फिजिकल चेंज ही है। और फिर कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, कि वाटर जो आइस है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको मेल्ट करा हमने तो वो चेंज होकर के क्या बन गया, वाटर बन गया। लेकिन क्या है कि उसमें कोई न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता है, सिर्फ उसका स्टेट और उसका फिजिकल स्टेट जो है फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है, ठीक है। तो उसका केवल स्टेट चेंज होता है कि सॉलिड आइस जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है वो चेंज होकर के वो लिक्विड बन जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता है, तो ये एक फिजिकल चेंज है। और फिर इसी तरीके से जो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम है, ये भी फिजिकल चेंज ही है। अब फिर हम लोग इसमें रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज को समझना है कि फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों कैसे होते हैं। अब देखिए, फोल्डिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज है। अब देखिए, अगर हमने पेपर को फोल्ड कर दिया, उसका शेप चेंज हो गया, उसका साइज चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि पेपर को हम लोग अनफोल्ड करके उसको फिर इनिशियल फॉर्म में वापस भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में फोल्डिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज के साथ साथ क्या है, रिवर्सिबल चेंज भी है, ठीक है। और फिर दूसरा वाला एग्जांपल जो है कटिंग ऑफ पेपर, ये फिजिकल चेंज है और फिजिकल चेंज के साथ साथ ये इरिवर्सिबल चेंज है। वो कैसे करके, कि अगर मैंने पेपर को कट कर दिया तो हम लोग उसको किसी भी तरह ज्वाइन करके उसको इनिशियल फॉर्म में वापस नहीं ला सकते हैं, ठीक है। अगर उसको हम लोग वापस लाते भी हैं तो वो बिल्कुल पहले जैसा नहीं होता है। तो इस तरीके से कटिंग ऑफ पेपर जो है वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि फिजिकल चेंज किस सिचुएशन में रिवर्सिबल होता है और किस सिचुएशन में इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। अब फिर हम लोग केमिकल चेंज के एग्जाम्पल को समझते हैं कि बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, ये केमिकल चेंज है। तो ये कैसे करके केमिकल चेंज है, देखिए, जब हम लोग पेपर को या फिर वुड को बर्न करते हैं, जलाते हैं उसको, तो उसमें न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। और न्यू सब्सटेंस क्या प्रोड्यूस होता है, ऐश, जिसको हम लोग राख कहते हैं। और उसकी प्रॉपर्टी इनिशियल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होती है। पेपर और ऐश को आप कंपेयर कीजिए, दोनों बिल्कुल डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो उसमें न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है और उसकी प्रॉपर्टी इनिशियल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होती है। और उसको हम लोग फिर पुराने फॉर्म में वापस भी नहीं ला सकते हैं कि पेपर को हमने बर्न कर दिया, ऐश बन गया, और फिर ऐश से हम लोग फिर से पेपर बना रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से बर्निंग ऑफ पेपर और वुड जो है वो एक केमिकल चेंज है, ठीक है। और फिर रस्टिंग ऑफ आयरन और एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये भी केमिकल चेंज ही है। तो आई होप ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के डिफरेंस को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो केमिकल चेंज पर ही बेस्ड होते हैं। और क्या कि केमिकल चेंज, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है उसके साथ साथ एक केमिकल रिएक्शन भी होता है। चलिए अब हम लोग केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन को समझते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का क्या डेफिनेशन है, कि द प्रोसेस बाय विच द इनिशियली प्रेजेंट सब्सटेंस इज चेंज्ड इनटू न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स ये कि ऐसा प्रोसेस जिसकी हेल्प से इनिशियली प्रेजेंट जो सब्सटेंस होते हैं, कि शुरू में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो चेंज होकर के न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। कि ऐसा प्रोसेस जिसकी हेल्प से शुरू में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो चेंज होकर के न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और फिर बताया गया है कि व्हेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। और इस चीज को मैंने पहले भी बताया कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है उसके साथ साथ एक केमिकल रिएक्शन भी होता है, ठीक है। इस चीज को आपको खास तौर से याद रखना है कि
कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है उसके साथ साथ केमिकल रिएक्शन भी होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। इसके लिए क्या एग्जांपल लेते हैं, एक केमिकल चेंज का एग्जांपल लेते हैं, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि बर्निंग ऑफ पेपर, केमिकल चेंज का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर, इस एग्जांपल को हम लोग समझते हैं और इसमें थोड़ा सा हम लोग नोटिस करते हैं कि बर्निंग ऑफ पेपर के प्रोसेस में एक्चुअली में होता क्या है, और बर्निंग ऑफ पेपर जो केमिकल चेंज है तो इस चेंज में कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है और कैसे होता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होता है उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, और हम लोग इनिशियल क्लासेस में, छोटे क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जब हम लोग कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस को बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं, तो उसमें जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर में क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, और जब हम लोग इसको बर्न करते हैं तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो देखिए, बर्निंग ऑफ पेपर में कार्बन एक सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ये न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो बर्निंग ऑफ पेपर एक केमिकल चेंज है और इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है उसके साथ साथ एक केमिकल रिएक्शन भी होता है, ठीक है। अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो फर्स्ट में क्या है, चेंज इन स्टेट, सेकंड में है चेंज इन कलर, और थर्ड में है इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर। कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कि उसके स्टेट में चेंज हो सकता है, उसके कलर में चेंज हो सकता है, गैस का एवोल्यूशन हो सकता है, या फिर चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। अब इन चीज़ों को हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि किस सिचुएशन में और कब चेंज इन स्टेट हो सकता है, कब चेंज इन कलर हो सकता है, कब एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, और फिर कब चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो वन बाय वन हम लोग इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो फर्स्ट के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट के लिए एग्जाम्पल लेते हैं क्या, कि चेंज इन स्टेट के लिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन H2 ये एक गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, O2, ये दोनों गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है, और दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या करता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O प्रोड्यूस करता है। H2O ये वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन ये भी गैस के फॉर्म में होता है, और ये दोनों रिएक्ट करके हाइड्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और हाइड्रोजन ऑक्साइड ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये H2O क्या है, वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो देखिए, यहाँ पर चेंज इन स्टेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये दोनों गैस के फॉर्म में होता है और दोनों रिएक्ट करके लिक्विड प्रोड्यूस करता है H2O, वाटर, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि चेंज इन स्टेट कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे वाले को, चेंज इन कलर को समझते हैं। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज
सेकंड वाले के लिए एग्जांपल लेते हैं क्या, कि आयरन है जिसका फॉर्मूला होता है Fe, ये क्या करता है कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 जो ब्लू कलर का होता है, ठीक है, इनिशियली ये ब्लू कलर का होता है और जब आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है आयरन सल्फेट FeSO4 प्रोड्यूस करता है और फिर कॉपर सल्फेट में से कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट इनिशियली ब्लू कलर का होता है, जब आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो ये आयरन सल्फेट प्रोड्यूस करता है और कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है इनिशियली वो क्या हो जाता है फेड हो जाता है, उसका जो कलर है वो फीका पड़ जाता है, ठीक है, रिएक्शन के बाद आफ्टर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है वो क्या होता है फेड हो जाता है, ठीक है। और जो आयरन है और ये भी ये शुरू में जो क्लीन होता है बिल्कुल साफ होता है, ये आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाता है आफ्टर रिएक्शन ये ब्राउनिश हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक फिगर एक इमेज डिस्प्ले में आपको शो होगा, आप उसकी हेल्प से समझ सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग तीसरे वाले चीज को समझते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, केमिकल रिएक्शन का जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि गैस इवोल्यूशन हो सकता है, गैस प्रोड्यूस हो सकता है वो कैसे करके। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इसके लिए क्या एग्जांपल लेते हैं कि जिंक है, जिंक एक मेटल है, ये क्या करता है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, जिंक तीसरे का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस कि इसके लिए एग्जांपल लेते हैं एक जिंक है, जिंक एक मेटल है, ये क्या करता है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ये दोनों रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस ये H2 प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट प्रोड्यूस करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, अब यहां पर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे होता है ये चीज भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग फोर्थ वन चेंज इन टेम्परेचर को समझते हैं कि टेम्परेचर कैसे चेंज हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसके लिए क्या एग्जांपल लेते हैं कि जब क्विक लाइम वाटर से रिएक्ट करता है, क्विक लाइम जो है वाटर से रिएक्ट करता है, क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम जब H2O वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब क्या करता है ये स्लैग लाइम प्रोड्यूस करता है, स्लैग लाइम मींस क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये स्लैग लाइम का फॉर्मूला है, ये स्लैग लाइम प्रोड्यूस करता है और साथ में बहुत बड़े अमाउंट में हीट रिलीज करता है और जब हीट रिलीज करेगा तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या वन बाय वन केमिकल रिएक्शन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिया है और आज हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है।
अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।